हेलो, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड वेलकम टू नितिन गुप्ता क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, इंटीजर्स में क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम साइन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीजर्स वैसे ही आप जानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट रहता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें भी अगर आपको रूल्स में कोई डाउट है या रूल्स में अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप, दैट मीन्स आपके आंसर्स हमेशा गलत आएंगे। तो ऐसे केसेस में अगर आप रूल्स को अच्छे से समझें, हमने एडिशन की रूल्स की वीडियो पहले ही बना दी है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। और आज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले वो है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जब सेम साइन हो या डिफरेंट साइन हो उसकी वजह से कैसा आंसर आता है, कैसा रिजल्ट आता है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे लेटेस्ट वीडियोस के, क्योंकि हम रेगुलरली विद इन 2 डेज हर 2 दिन के अंतराल पे नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, कोई सुझाव है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी इस वक्त नीचे आ रहा होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने कजन्स को शेयर करिए। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, दोबारा से याद दिलाते हैं हम आपको, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देख सकते हैं आप सामने यहाँ पे लिखा है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजिली हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब एक पॉजिटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। सिमिलरली जब एक नेगेटिव साइन और एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। दैट मीन्स जब सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट कैसे देखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो जब ऐसा केस हो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, उस केस में रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो डिफरेंट साइन होने पर नेगेटिव, सेम साइन होने पर पॉजिटिव। बेसिक सिंपल से रूल्स हैं, और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बहुत जगहों पे यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ इंटीजर्स में ही नहीं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपको इसे यूज़ करना होगा, और कई सारी जगहों पर आपको इसका यूज़ करने को मिलता है या देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप इन टॉपिक्स के बारे में या इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल नितिन गुप्ता क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट नितिन गुप्ता क्लासेस। यू कैन ऑल्सो मेल मी एट nitingupta_classes17@gmail.com। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।